नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। किसानों की घर वापसी, जी हां, कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद आखिरकार आज आंदोलनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। किसानों का आखिरी जत्था आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के मुजफ्फरनगर लौट जाएगा। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, जिसकी एक आवाज पर देश भर का किसान एकजुट हो गया, जिसकी जिद के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा, वो राकेश टिकैत 383 दिन बाद आज अपने घर वापस लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से किसान आज भले ही बोरिया बिस्तर समेट रहे हों, लेकिन आम जनता के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अभी तक नहीं खुलेगा। आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं से लगती सड़कें जो बंद थी, अब आप उनसे होकर फिर से गुजर सकेंगे। हालांकि अभी भी हाईवे पर गाड़ियां दौड़ने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 24 पर किसान बीते एक साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि 15 दिसंबर तक अपने घर की ओर अब रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी NH 24 आम नागरिकों के लिए अभी नहीं खुल सकेगा। तो किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आखिरी दिन आज है जब किसान अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें, हम रास्ते पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ दिन का समय और लगेगा रास्ते को खोलने में। चलिए, किसान आंदोलन में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको पहले ये बता देते हैं। तो 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अब तक किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ ये बता रहे हैं। उसके बाद 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों की पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसके बाद 5 दिसंबर 2020 को किसानों और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई थी। उसके बाद 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद 9 दिसंबर 2020 को बातचीत के दौरान किसानों ने कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। उसके बाद 11 दिसंबर 2020 को कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया था। उसके बाद 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर दिल्ली में एक हिंसा भी हुई थी। 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा ने भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 7 अगस्त को संसद में किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी और 19 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद 24 नवंबर को मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने के लिए कैबिनेट की बैठक को मंजूरी दी थी और 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से कृषि कानून को वापस लेने के बिल को पास कर दिया गया था, जिसके बाद 1 दिसंबर को कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोहर लगा दी थी। 4 दिसंबर को कृषि कानून की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और 9 दिसंबर को किसानों ने धरना स्थगित करने का फैसला किया, जिसके बाद आज 15 दिसंबर को किसानों की तरफ से पूरी तरह से घर वापसी की जा रही है। तो अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे किसान आंदोलन में, ये हमने तारीख बाय तारीख आपको बताया कि कब किस तारीख को क्या हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज आखिरी दिन है जब किसान पूरी तरह से अपने अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की अगर बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। लगभग सभी जो जत्थे हैं वो धीरे धीरे अपने तरफ जाते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और इसके अलावा लखीमपुर के आसपास के बेल्ट के किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब वो जो है धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। अब ऐसे में आज मुजफ्फरनगर भी थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएगा। आपके शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। चलिए जितेंद्र, ठीक है, ऑडियो आ रहा है आपका, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अगर बात की जाए उत्तराखंड के किसान या फिर उधम सिंह नगर और खासतौर पर पीलीभीत के जो बेल्ट के जो किसान है वो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। आज जो है सेकंड लास्ट जत्था जो है मुजफ्फरनगर का वो पूरा हो जाएगा, वो अपने घर के लिए रवानगी उनकी हो जाएगी। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ गाजियाबाद के किसान रह जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो बाकी किसान थे वो उनके मेहमान थे और जब तक सारे किसान नहीं चले जाएंगे जब तक उनका जो है जत्था और लंगर इसी तरह से चलता रहेगा। और आज शाम तक हो सकता है जब पूरे
पूरे किसान वापस चले जाएंगे, तो कल जो गाजियाबाद के किसान है उनका भी टेंट हट जाएगा और धीरे धीरे वो भी अपने घर के लिए पलायन कर जाएंगे, घर आ जाएंगे। अब उसके बाद आता है NHI एग्जाम। NHI ने एक टीम गठित की है जो कि उनके बाद पूरे जो नेशनल हाईवे है उसका निरीक्षण करेंगी कि कहाँ कहाँ क्या खामियां हुई हैं, क्योंकि जिस दौरान आंदोलन चल रहा था पक्की सीमेंट से वहां पर काम किया गया था, ईंटों की चिनाई वहां पर की गई थी और तमाम चीजें हैं जिनको सही करना है, सड़कों पर गड्ढे किए गए थे तंबू गाड़ने के लिए, तो इन सब चीजों का जो है मुआयना किया जाएगा, फिर उसको दोबारा से दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में 10 से 15 दिन लग सकते हैं और उसके बाद ही नेशनल हाईवे जो गाजियाबाद मेरठ और दिल्ली से होते हुए जो दिल्ली की तरफ जाता है उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए जिस तरह से आज किसानों का ये आखिरी जत्था मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगा, क्या अभी ये जत्था रवाना हो चुका है या अभी और समय लगेगा निकलने में किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसान मुजफ्फरनगर से ही थे और उनका एक जत्था नहीं है, तमाम ऐसे टेंट है जो मुजफ्फरनगर से, वो धीरे धीरे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सामान अपना जो है ट्रैक्टरों में लोड कर रहे हैं, तंबू उखाड़ रहे हैं और ये सारी तमाम चीजें हो रही है और कुछ देर बाद जो है गाजीपुर से ये जत्था जो है ये रवाना शुरू हो जाएगा और ये एक या दो गाड़ी में नहीं होगा, कम से कम 10 से 15 ट्रैक्टर होंगे जो एक साथ रवाना होंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है बिल्कुल डटे हुए हैं, अड़े हुए थे कि हम वापस घर नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो वापस घर जा रहे हैं, तो इसीलिए एक पूरी तरह से उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी भी हो रही है। जी बिल्कुल, जो जब यहाँ से गाजियाबाद से जब निकलेंगे और तमाम जितने जिले पड़ेंगे वहां पर लेकर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके भव्य स्वागत की पूरी तरह से तैयारी किया, मानो जिस तरह से एक बड़ा राजनेता अपने घर की तरफ वापस जाता है या फिर उसकी पैदल यात्रा होती है, तमाम इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, उनकी गाड़ियों पर फूल वर्षा होगी और जो जगह जगह पर उनका जो है मिलन समारोह है वहां वो लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे और अपने जो 383 दिन की जो ये किसान का जो आंदोलन किसानों की तरफ से खाली कर दिए गए हैं या वहां पर भी अभी किसान हैं? देखिए वहां पर अभी कुछ ही किसान बचे हैं, नामात्र किसान बचे हैं, और वो भी वो हैं जो अपना पूरा सामान जो है समेट रहे हैं, जिनके ऊपर आंदोलन चलाने की तैयारियां थी और तमाम उन्होंने तैयारियां की थी, जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर, तो वो जो है वो भी उनको खाली कर रहे हैं। लेकिन सिंधु बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर से एक अच्छी तस्वीर ये भी सामने आई है, उन्होंने NHI का या फिर किसी का इंतजार नहीं किया है, वो खुद ही जो रोड पर जो भी उनका मटेरियल था उनको क्रेन से खुद ही उठाकर उसको साइड में भी कर रहे थे, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि किसान भी चाहते कि इस रास्ते को अब आम नागरिक पहले की तरह इस्तेमाल जल्द से जल्द कर सके। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है अभी उसे खुलने में टाइम लगेगा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि नए साल में अब लोग उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि 15 दिन का समय ही बचा है इस साल को खत्म होने में और 15 से 20 दिन का समय ही प्रशासन की तरफ से लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए नए साल के आसपास ही रास्ता खोला जा सकेगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर रास्ता अभी खोला जाए तो उसमें किसी भी तरह की लापरवाही हो सकती है, क्योंकि सड़कों में गड्ढे आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा जो जगह जगह पर जो खाने की चीजें होती थी या तमाम ऐसा मटेरियल होता था उनकी चिकनाई से एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, इसके अलावा अगर वहां पर बात की जाए जिस तरह से टॉयलेट बनाए गए थे, जिस तरह से वहां रसोईया बनाई गई थी, तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि एकदम बड़ी जल्दी से आसानी से साफ नहीं हो सकती है, उनमें समय लगेगा, उसमें सफाई कर्मचारी लगेंगे, उसमें तमाम इंजीनियर्स लगेंगे, तमाम ये जो लोग हैं इनकी जब मेहनत होगी उसके बाद ही लगभग नए साल के आसपास लोग वहां से जा सकेंगे। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों की तरफ से एक बड़ा मंच तैयार किया गया था जहां पर अक्सर राकेश टिकैत पहुंचते थे या फिर बड़े किसान नेता पहुंचकर किसानों को संबोधित करते थे, क्या वो मंच अब हटा दिया गया है या अभी भी मंच भी है? जी वो लगभग हटा दिया गया है, उस पर आखिरी जो भाषण थे उसमें उन्होंने जो लोक गीत होते हैं उनका प्रदर्शन किया था, जो किसान अलग अलग जगह से जुड़े थे अपनी संस्कृति को उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद कुछ भाषण वहां पर हुए, उसके बाद अब उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, तमाम बहुत कम चीजें ऐसी बची हैं जिनको हटाने में अभी समय लग सकता है, लगभग सभी जो चीजें हैं वो हटा दी गई हैं। अगर बात करें जो जिसके आप बात करें तो जो सबसे मेन मंच है अगर उसकी बात की जाए तो उसको पूरी तरह से सीमेंटेड बनाया गया था, जो
जो उसके पिलर्स हैं वो लोहे से और नीचे जहाँ सड़क है वहाँ पे ईंट और सीमेंट से उसको पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया गया था, क्योंकि बरसात में और आंधी तूफान में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गर्मी में भी वो बैठे हैं और बरसात में भी बैठे हैं, तो ऐसे धूप से और इन तमाम चीजों से बचने के लिए उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से बनाया गया था, उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो इसमें अभी जो पूरी तरह से हटाने का काम है वो NHAI पर भी रहेगा। जी जी जितेंद्र, और देखिए लगातार 11 दिसंबर से और 10 दिसंबर से तस्वीरें आ रही थी कि किसान बहुत खुशी मना रहे थे, नाचते गाते हुए घर वापसी कर रहे थे। आज भी एक अनोखी अलग तस्वीर सामने आई है कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर हवन करते हुए नजर आए, तो यानी कि साफ संदेश देने की कोशिश की है कि एक बहुत बड़ी जीत किसानों की यहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल, उन्होंने हवन जब ये जो आंदोलन शुरू हुआ था तब भी किया था, उसके बीच तमाम ऐसे प्रोग्राम थे जो आस्थापूर्ण थे, ये तमाम प्रोग्राम होते रहे हैं और अब जब वो जा रहे हैं तो क्योंकि इसको किसान क्रांति गेट भी कहा जाता है, 2018 इसका नाम रखा गया है कि किसान क्रांति गेट, और अब ऐसे में जब यहाँ से जा रहे तो अपनी यादों को समेटना चाहते हैं, क्योंकि सब किसान अलग अलग तरफ से आए थे और उनके आंखों में आंसू भी थे कि आखिरकार एक साल बाद जीत तो मिली है लेकिन बिछड़ने का कहीं ना कहीं गम भी है, तो इसीलिए इस हवन को रखा गया था। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों से आज किसानों का जाना पूरी तरह शुरू हो गया है और आज ये आखिरी दिन है और जब बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो रहा है, इसके बाद अब वाहनों की आवाजाही इन सभी रास्तों पर जल्द ही प्रशासन की तरफ से शुरू भी करवा दी जाएगी।